तारीख है 8 और हम आ गए हैं आपके साथ एक नया वीडियो लेकर। आज का दिन बहुत स्पेशल है। एक तो आज है दशहरा, तो आप सभी को दशहरे की बहुत बहुत शुभकामनाएं। और दूसरा आज है मेरी माँ का बर्थडे, जो मेरे लिए किसी त्यौहार से कम नहीं है। और तीसरा आज है हॉलीडे, और हॉलीडे बहुत स्पेशल होता है। कोई आराम करता है, कोई अपने अधूरे काम निपटाता है, हम क्या करते हैं, हम निकल पड़ते हैं किसी नई जगह पे नई खोज में। और ऐसे ही आज एक जगह की खोज में हम लोग आ गए हैं, नल सरोवर। गुजरात के अहमदाबाद शहर से 60 किलोमीटर वेस्ट में ही आता है नल सरोवर। ये था तो यहाँ पहले से, लेकिन 1969 में इसे नल सरोवर बर्ड सेंचुरी से घोषित किया गया, जिसका नाम 2012 में बदल के रामसर वेटलैंड कर दिया। नाम बदला लेकिन काम वही है। गुजरात की सबसे बड़ी बर्ड सेंचुरी और भारत की सबसे बड़ी बर्ड सेंचुरी में से एक। यहाँ पे लगभग 200 से ज्यादा पंछी आते हैं। सभी यही के होते हैं? नहीं, लगभग 140 ऐसे हैं जो यहाँ पे पानी में मिलते हैं। भारत में है, कुछ कहीं बाहर से आता है, लेकिन 70 तो ऐसे हैं जो कहीं दूसरे देशों से यहाँ उड़कर आता है। बारिश के बाद जब यहाँ पानी भर जाता है तो आसपास काफी नहरें हैं जहाँ से पानी यहाँ बह के आता है, और इसके भर जाने के बाद पंछी आना शुरू होता है। आज सही समय है आने का? शायद नहीं। हम लोग आ गए अक्टूबर में, और यहाँ आके ऐसा पता लगा है कि दिसंबर या जनवरी के बाद जब पानी पूरी तरह से भर जाता है, उसके बाद आता है असली मजा, जब सारे अलग अलग पंछी एक साथ यहाँ आ जाते हैं, अपने घोंसले बनाते हैं, काफी दिनों तक यहाँ रहते हैं और फिर से अपनी मंजिल की तरफ उड़ चलते हैं। अब हम क्या करेंगे, आ गए तो देखना बनता है। तो हम लोग अभी चलते हैं, एक एक करके यहाँ के सारे पहलू देखते हैं, समझते हैं, और नल सरोवर का अहमदाबाद के लिए, गुजरात के लिए और भारत के लिए क्या महत्व है, इसे समझते हैं। क्या दिखा? एक मोर, एक नहीं 10 मोर दिखे। उनके पीछे भागा तो वो भाग गए। थोड़ा करीब आओ, अच्छे से बताते हैं। अब यहाँ पे आना कैसे है? अहमदाबाद से वेस्ट में तो बोल दिया, लेकिन कितना आना है? 60 किलोमीटर। कैसे आना है? अपनी बाइक या अपनी कार लेके। पब्लिक ट्रांसपोर्ट तो यहाँ पे मुझे दिखा नहीं, ना बसेस की सुविधा है और ना कोई ऑटो वाला आपके साथ आएगा इतने दूर। रास्ते पक्के हैं, कहीं पे कच्चे भी हैं। ऑफ रोड राइडिंग का शौक है तो मजा आएगा, नहीं तो थोड़ा संभल के चलाइएगा। रास्ते में काफी बैल, गाय, भैंसे दिखेगी। धीरे धीरे आना है और पहुंच जाना है। 1.5 से 2 घंटा लगता है। अगर आराम से आओ, जल्दी आओगे तो 1 घंटे में भी पहुंच जाओगे। गेट पे एक 40 रुपये की रिसिप्ट लेनी है एक पर्सन के लिए। बाइक का कोई किराया नहीं है। बाइक सीधा 1 किलोमीटर अंदर आके किनारे पर लगा देनी है। और यहाँ पे आते ही पहले पानी की सुविधा है, वॉशरूम है, आराम कर लीजिए, पसीना पोंछ लीजिए और फिर चलिए अंदर शहर पर, क्योंकि यहाँ सिर्फ पंछी नहीं है, छोटे बड़े जानवर कीड़े भी हैं। और पंछियों की बात निकली है तो मैं बताना चाहूँगा, इट्स एन आयरनी एक्चुअली कि मैं पंछियों को देखने के लिए इतना दूर आया हूँ, क्योंकि जो मेरे दोस्त हैं वो जानते हैं कि मैं बचपन से ही पंछियों से बहुत डरता हूँ। उनके उड़ने से, फटफटाने से, मेरे पास से गुजरने से मेरी कांप जाती है रूह। लेकिन फिर भी मैं यहाँ पंछियों को देखने क्यों आया हूँ, क्योंकि जो मेरे साथ में रहे हैं वो ये तो समझते हैं कि पंछियों से हमारा बहुत पुराना बचपन का नाता है, जो अभी टूट सा हो जा रहा है। और ये क्यों टूट रहा है? बचपन में याद होगा, अगर वो उंगली वाला कभी खेल खेले हो तो सबसे पहला नाम आता था चिड़िया उड़, और अभी चिड़िया तो ऐसी उड़ चुकी है कि वो वापस आई नहीं है। बचपन से अब तक मैं कभी हैरान हो जाता हूँ कि मैं कितने सालों तक चिड़िया को देख नहीं पाता, शायद अभी वो दिखेगी भी नहीं गई। मैं सच में उम्मीद करता हूँ कि मुझे इस बड़े से जंगल में, सरोवर में, बर्ड सेंचुरी में तो एटलीस्ट एक चिड़िया दिख जाए। और सिर्फ चिड़िया ही लुप्त नहीं हुई है, ऐसे काफ़ी थे पंछी जो आज दिखते नहीं है। तितलियाँ कहाँ दिखती है?
उन सब पंछियों को देखने का, करीब से महसूस करने का, और जो हम पीछे छोड़ चुके हैं उस इकोसिस्टम को वापस लाने का, ये एक छोटा सा तरीका है। अगर आप मेरे ब्लॉग्स देखते हैं तो आपको पता होगा कि मेरे ब्लॉग्स जनरली नेचर के करीब होते हैं, कहीं पहाड़ों पे, लेक पे, नदी पे, समंदर पे। मैं मानता हूँ कि अगर मुझे एक दिन का भी वक्त मिलता है ना, तो शहर की भीड़ भाड़ से, गाड़ियों से, उन सब चीज़ों से दूर आकर नेचर के पास में थोड़ा वक्त बिताना है, जहाँ मैं खुद को समझ सकूँ, अपने आप को रिबिल्ड कर सकूँ, री इन्वेंट कर सकूँ। और ये सब करने के लिए मुझे मदद मिलती है और इंस्पिरेशन मिलती है नेचर से, जहाँ पे थोड़ा सुकून मिलता है। मैं यहाँ बैठ के कुछ अपने लाइफ के डिसीजंस के बारे में सोच लेता हूँ तो ऐसा लगता है कुछ आज मिल गया है, और ये शायद मेरे लिए नहीं, हम सबके लिए सही होगा। इसलिए मैं हमेशा कहता रहता हूँ कि जब भी मौका मिले ना, मॉल्स में मत जाइए, नेचर के करीब आइए। अगर आना है तो खाली पेट और खाली बैग नहीं आना है, क्योंकि यहाँ खाने पीने की कोई चीज़ें नहीं है मेरे भाई। मैं जब आया था मैंने सोचा था यहाँ कुछ खा लूँगा, लेकिन यहाँ कुछ भी नहीं है। जब यहाँ टूरिस्ट बढ़ जाते हैं दिसंबर के बाद, जब पंछी आने लगते हैं, तब कुछ स्टॉल लग जाते हैं, तब वो खाने पीने की चीज़ें मिल जाएगी। लेकिन अगर वक्त बेवक्त आना है, जैसे मैं आता हूँ, तो खाने की चीज़ साथ में लेके आना है, क्योंकि यहाँ बहुत बड़ा बर्ड सेंचुरी है। इतना अगर घूमना है, गुजरात की हीट में, धूप में घूमना है, और पीने का पानी तो अपना साथ रखें। जैसे कुछ दिखा हमें नलसरोवर, जितने पंछी कहे थे उतने तो नहीं दिखे, बट जो दिखे वो कुछ कम नहीं थे। यहाँ आके चाहे पानी थोड़ा कम हो, पंछी थोड़े कम हो, लेकिन सुकून में कोई कमी नहीं है। दिसंबर या जनवरी में आइएगा तो दिखेगा असली यहाँ का नजारा, सारे पंछी हो गए, सुकून मिलेगा, शांति रहेगी। लेकिन एक चीज नहीं होगी, अकेला तब बहुत लोग फोटोग्राफर्स होते हैं, आपकी फुर्सत से आइए, जब अच्छा लगे तब रहिए। मैं तो मोर देख के ही खुश हूँ, मेरा तो मन वही रम जाता। आज पहली बार मैंने इतने करीब से इतने सारे मोर देखे, बहुत अच्छा लगा। तो इसी बात पे ख़त्म करते हैं इस वीडियो को। अच्छा लगे हो जगह तो ज़रूर आइएगा, वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक शेयर और कमेंट ज़रूर कर दीजिएगा। आपकी बेस्ट प्लेस कौन सी है, आपके आसपास कोई लेक हो, कोई जगह हो, बर्ड सेंचुरी हो, कोई जंगल हो, आपकी पसंदीदा जगह कौन सी है, गेटअवे जहाँ वीकेंड पे जा सकते हैं, जो भी है कमेंट करके बताइएगा।